जय माता दी दोस्तों, मैं पंडित सुमित मिश्रा अपने नए चैनल ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट पोस्ट की अपडेट मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले पितृदोष और उसके कुछ उपाय के बारे में। चलिए देखते हैं, आप सब भी अपनी कुंडली में देख कर ये पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। चलिए देखते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये चार युतियाँ हो रही हैं तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। चलिए देखते हैं युतियाँ, अगर आपकी कुंडली में भी अगर राहु प्लस सूर्य किसी भी घर में बैठे हैं तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। दूसरी युति, अगर केतु प्लस सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हैं तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तीसरी युति, अगर आपकी कुंडली में राहु प्लस चंद्र किसी भी घर में हो तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आखिरी और अंतिम, अगर आप केतु प्लस चंद्र किसी भी घर में युति है तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। इसके साथ एक चीज़ और देखना है, वो है अंश या डिग्री। आपको राहु केतु की डिग्री देखना है, अगर 0 से 6 डिग्री हो तो वो 25% पितृदोष की श्रेणी में आएगा। अगर 6 से 12 डिग्री हुई तो आपको पितृदोष के 50% रिजल्ट मिलेंगे। अगर 12 से 18 डिग्री राहु की हुई तो आपको 100% पितृदोष के रिजल्ट मिलेंगे। 18 से 24 डिग्री पे आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे और आखिरी 24 से 30% आपको 25% पितृदोष के रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं। अब उपाय की बात करते हैं दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो घर की दक्षिण दीवार पर पूर्वजों की तस्वीर लगाकर उनका नियमित स्मरण करने से पितृदोष दूर होता है। अपने पूर्वज के निधन की तिथि के दिन जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही पूर्वजों की पसंद का कुछ बनाएं, ब्राह्मणों को गोदान करें, राहगीर को गर्मी में ठंडा जल पिलाएं, गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, पीपल और बरगद के वृक्ष लगाएं और भगवान शंकर के महामृत्युंजय का जप करें। नियमित गीता जी का पाठ कर सकते हैं और एक मंत्र है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इसका स्मरण करके अपने पूर्वजों का ध्यान दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर पितृदोष के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।